One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. Thank you.
सतीश जी अभी ठीक है। सतीश जी जो किसानों की मीटिंग बैठी है किस आधार पर बैठी हुई है और कितने गांव के किसान हैं? हम लोग 20-30 गांवों के किसान हैं और यहां पे इन्होंने किया अभी नोएडा प्राधिकरण ने एक नोट निकाला है हिंदुस्तान में अमर उजाला में दैनिक जागरण में 3800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। हमारे यहाँ का अधिग्रहण 7000 बीघे जमीन का माजरा है जिसको हम बगैर ऑब्जेक्शन के हमने 6800 बीघे जमीन नोएडा प्राधिकरण को दे दी है। मात्र 200 बीघे जमीन को लेकर हम डिस्प्यूट में गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। सुप्रीम कोर्ट से इनका अधिग्रहण क्वेश हो रहा था, उसका कारण ये था कि इन्होंने रेलवे स्टेशन के नाम से सैदरा की जमीन एक्वायर करी, SEZ के नाम से एक्वायर करी, ISBT के नाम से एक्वायर करी और इतने पब्लिक सेंसिटिव चीजें इन्होंने करके जो है इंडस्ट्री के नाम पे एक्वायर करी और उन सबको लैंड यू चेंज करके सारी जमीन टोटल बिल्डरों को बेच दी इन्होंने। बिल्डरों को जमीन बेची है इन्होंने 20,000 रुपए गज और हमारी जमीन का आज रेट जो बताते हैं किसान के लिए जो जमीन इन्होंने कंप्रोमाइज की है, सुप्रीम कोर्ट में मजबूरी होगी थी जो है ये फैसला करें क्योंकि जन आंदोलन हो रहे थे, उधर अधिग्रहण इनका क्वेश हो रहा था, कई सारे इनके प्रोजेक्ट फिलऑफ हो रहे थे, उन सबको बचाने के लिए इन्होंने जो है ये किया कि भाई जो है आप इनका फैसला कर लो। मात्र 150 बीघे जमीन की बात है, 6800 बीघे जमीन आपकी जो है खतरे में पड़ रही है। लगभग 10-12 बिल्डर थे यहाँ पे, सारे के सारे क्वेश हो रहे थे और सब रो रहे थे। यहाँ तक कि ये कहते हैं अधिकारियों ने रिश्वत ली है, किसी एक अधिकारी को जो है सचिव को ये टारगेट कर रहे हैं। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि 3 लाख रुपए की फीस मुझे खुद नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों से लेके दी थी। अब किसानों की जो वकील है, किसानों ने कहा हम फैसले नहीं कर रहे, फिर भी उसके बावजूद भी किसानों ने कुछ अन्य फैसले नहीं किए। अब जब फैसले नहीं कर रहे इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई स्कैंडल का मतलब नहीं है। इन्होंने खुद पैसे दिए वकीलों के लिए, जो है वकील की फीस दी 3 लाख रुपए बिल्डर से लेकर। तो अब ऐसे बताइए जब ये फीस तक किसान नहीं दे रहे तो क्या इनको रिश्वत दे देंगे अधिकारियों को जो इसमें स्कैंडल बताते हैं। ये मात्र 150 बीघे जमीन इन्होंने जो है मात्र जो है कंप्रोमाइज किया है, उसके बाद में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और उसको आज 1 लाख रुपए मीटर बता रहे हैं। इन्होंने बेची है 5,000 रुपए में 142 सेक्टर बेचा, रिश्वत ली उन लोगों से बिल्डरों से। मेरा जो है कहना यह है कि अधिकारियों की आपस की कोई लड़ाई है और किसानों को जो है ये फंसाना चाहते हैं। मात्र आज तक नोएडा में, पूरे नोएडा में, केवल नोएडा में फंसा है तो केवल सैदरा गांव में फंसा था। ऐसे इनके कई प्रोजेक्ट खारिज होने चाह रहे थे, उसी को बचाने के लिए इन्होंने ये कंप्रोमाइज किया है और किसानों के बिल्कुल लीगल कंप्रोमाइज हुए हैं। और ये बताते हैं कि अधिकारियों के साइन नहीं है, ये कहते हैं ADM LA के साइन नहीं है, ADM LA के साइन नहीं है, DM के साइन है उस फाइल पे जिन्होंने जो अप्रूवल किया इन्होंने आबादी समिति में जो है। मैं कहता हूँ कि ADM ज्यादा बड़ा है या DM? DM अपनी पावर डेलीगेट करता है ADM को जो है, तो उसका कहाँ सवाल आता है? ये ऐसे ऐसी चीजों को निकाल लें जिनका कोई इशू नहीं है।
सारे के सारे ये फ्रॉड है और बिल्कुल पूरी तरह से जो है किसानों से ये चाहते हैं कि 3800 करोड़ रुपए इन्होंने दिखा दो जिससे कि हाईलाइट हो। नेता भी ये सोचा है भैया 500-700 करोड़ तुम्हारी जिम में आएंगे, बहुत बढ़िया स्कैंडल पकड़ा किसानों का जो है। जिलाधिकारी जो है डेलीगेट करता है एडीएम को, लैंड एक्ट डीएम होता है, डीएम अपनी पावर डेलीगेट करता है, वो एडीएम पे निर्भर नहीं है। सारे अधिकारी प्लानिंग अफसर को कह रहे हैं, प्लानिंग अफसर के साइन नहीं है। ये देखिए प्लानिंग अफसर जो है ये रहा, इनके ये रे साइन जो है, सारा का सारा फ्रॉड एकदम जो है पब्लिक में ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं, बिल्कुल जो है बिल्कुल हवा में जो है कंप्रोमाइज हुए हैं। वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं, लिखित में इन्होंने कंप्रोमाइज किए हैं हमारे, वो भी मैं आपको जो है दिखा। 3/8/2011 जब से हमारी लड़ाई लड़ रही जो है, ऐसा नहीं है अब जो है 2006 से हमारे मुकदमे पेंडिंग है, उनमें ये फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो है, सारे के सारे हमारे पास पेपर हैं। और इसके अलावा जो है जो फिलहाल तो हमारी कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन हमने तो न्यूज के द्वारा ही जो पेपर में जो आया था उसी से जानकारी मिली है कि भाई जो है जो भी समझौते हुए उनको ये कहते हैं गलत हुए हैं, लोगों को जमीन जो दी गई है वो गलत दी है। और जब उस टाइम 2011 में जब ये हमारे मामले गांव के फंसे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में हमारे गांव के केस थे, तो बलविंदर जी गांव में आए थे, उन्होंने हमारा पूरा गांव इकट्ठा करा, एक साथ हमने पूरे गांव को बुलाया, गांव के लोगों को, उनसे हमने बलविंदर जी से हमारी जो बात हुई थी इस टाइम ये हुई थी, हमारे गाँव की जो आबादी है जैसी है वैसी छोड़ी जाए, जो हमारे 5% के प्लॉट है वो किसान के दिए जाएं जो आज तक नहीं मिल पाए। तो बलविंदर जी ने उस बात के लिए हमसे कही ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं, जायज है आपकी बात, जो जहाँ की जैसी आबादी है हम उसको नियमित करेंगे और वहीं पर जमीन को छोड़ेंगे। पूरे गांव के चारों तरफ की गांव के जो अंदर की आबादी मूल आबादी से ही जमीन लगी हुई थी सब, और बलविंदर जी खुद मौके पर देख के गांव के चारों तरफ देखा था उनने, और गांव की स्थिति उनको बिल्कुल जायज लगी कि इन लोगों की मांग बिल्कुल जायज है, इनकी आबादी को ही अधिग्रहण करा गया है, वो गलत करा गया। उसमें हमने हमसे कही ठीक है जी गांव के लोगों हम आपकी बात स्वीकार करते हैं और आपकी आबादी को हम छोड़ेंगे, लेकिन आप अपने जो केस जो हमारे जो केस थे सुप्रीम कोर्ट में, बलविंदर जी ने कही आप अपने केस को विड्रॉ करा लो, हम आपकी आबादी को वापसी कर देंगे गांव की। हमने उसके लिए गांव से पूरे गांव को एक साथ करा, गांव के लोगों ने उसमें सहमति कर दी, जैसे आप करोगे हम गांव के साथ आपके साथ हैं। हमने उस टाइम केस विड्रॉ कराए गांव के, और समझौते हमको नोएडा ने अपनी तरफ से हमको लिख के दिए थे, अब हम आपकी जमीन को छोड़ देंगे, आप हमारे केस विड्रॉ करा। हाथ जोड़ते डोले, खुद मेरे साथ भी बलविंदर जी सुप्रीम कोर्ट जाते थे, ठीक है प्रधान जी जैसा भी निमटवाओ गांव के मामले को, और हमको लड़ाई की क्या है, हमारी आबादी अधिग्रहण कर ली, हमको आबादी चाहिए, उनने हमारी आबादी के लिए कह दिया था, हम उसमें तैयार हो गए थे। इसमें सेटल्ड है, सेटल्ड हुई है बिटवीन पार्टी, इसलिए विड्रॉ हुआ है।